मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निशा, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम बाबा किशन दास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलाना डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पिक्टोग्राफ। सो वॉट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। इन इफ द नंबर्स ऑफ आइटम्स इज मोर देन वी यूज द पिक्चर्स यूजिंग स्केल्स। पिक्टोग्राफ एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग पिक्चर्स। इसमें हम पिक्चर्स के थ्रू हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज योर पिक्टोग्राफ। शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फोर्थ क्लास स्टूडेंट राहुल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड दीज आर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, EVS, हिंदी, मैथ्स, पंजाबी। लुक एट दिस पिक्टोग्राफ केयरफुली। देयर आर सम ट्राइंगल्स। ईच ट्राइंगल इक्वल्स टू 10 मार्क्स। आफ्टर सीइंग दिस पिक्टोग्राफ आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन इंग्लिश। अब आपको बताना है कि राहुल ने इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं वो स्कोर किए हैं। सो लेट्स सी इंग्लिश। इन इंग्लिश ही स्कोर्स, एज वी नो, वन ट्राइंगल इक्वल्स टू 10 मार्क्स। सो हेयर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्राइंगल्स। ईच ट्राइंगल इक्वल्स टू 10 मार्क्स। सो हेयर इज 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70 So how many marks did he score English? He score 70 marks in English. The next question is how many marks did he score in Punjabi? So उसने पंजाबी में कितने marks score किए हैं? Let's see Punjabi. As we know, each triangle equals to 10 marks. So here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triangles. Each triangle equals to 10 marks. So here is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So he scores 90 marks. So our next question is, in which subject he score maximum marks and how many? अब हमें बताना है कि राहुल ने सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए हैं। सो लेट्स सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन इंग्लिश उसने कितने मार्क्स लिए हैं? 70। एज वी नो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो उसने EVS में कितने लिए हैं? 8 × 10 = 80 दैट्स मीन उसने EVS में कितने मार्क्स लिए हैं? 80। हिंदी में कितने मार्क्स लिए हैं? 10, 20, 30, 40, 50 हिंदी में उसने कितने मार्क्स लिए हैं? 50। और मैथ्स में कितने लिए हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो उसने मैथ्स में लिए हैं 60 मार्क्स। एंड पंजाबी में अब देखते हैं कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तो उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में लिए हैं? इन पंजाबी। सो हियर वी विल राइट पंजाबी। सो नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 60 मार्क्स। अब हमें देखना है कि उसने कौन से सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लिए हैं। सो लेट्स काउंट। एज वी नो ईच ट्राइंगल इक्वल्स टू 10 मार्क्स। सो लेट्स सी हेयर इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सो इंग्लिश में तो उसने कितने लिए हैं? 70। EVS में देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 EVS में कितने लिए हैं? 80। लेकिन हमें कौन से पता करने हैं 60 मार्क्स किस में लिए हैं? हिंदी में लिए हैं उसने 10, 20, 30, 40, 50 हिंदी में तो उसने 50 लिए हैं। आगे हम मैथ्स में काउंट करते हैं 10
20, 30, 40, 50, 60. So here we got the answer. तो उसने कौन से सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लिए हैं? इन मैथ्स. नाउ हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मिनिमम मार्क्स एंड हाउ मैनी? उसने कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लिए हैं? सो नाउ हम देखेंगे कि कौन से ट्रायंगल सबसे कम हैं. एज वी सी इन हिंदी सबसे कम ट्रायंगल हैं. कितने हैं? 10, 20, 30, 40, 50. सो है वी गॉट द आंसर एंड आर आंसर इज हिंदी. So dear students, this is your homework. Look at this carefully. This is a pictograph that shows ice creams eaten by first to fifth class students of a particular school. And in this pictograph, there are some ice cream sticks. Each ice cream stick equals to 5 ice creams. Here are some questions which are related to our pictograph. How many ice creams are represented by one ice cream stick? How many ice creams did fourth class students eat? How many ice creams did 5th class students eat? Which class ate 15 ice creams? Which class ate maximum number of ice creams? Which class ate least number of ice creams?